नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति की, इसे किस प्रकार से मनाया जाता है और इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूं कि इस दिन क्या करना चाहिए। तो देखिए, ये तो सब जानते ही हैं कि इस दिन सुबह उठकर जल्दी स्नान करना चाहिए, वो भी तिल के साथ। तिल यानी तिल्ली, तिल्ली तिल्ली का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। तिल्ली का यूज़ ना कर सको तो तिल्ली के तेल का यूज़ करके आपको स्नान जरूर करना चाहिए। इस दिन ऐसा भी माना जाता है कि जो तीर्थ स्थान है उस पर जाकर स्नान करना चाहिए या फिर नदी तालाब में जाकर स्नान करना चाहिए। अगर आप तीर्थ स्थान नहीं जा सकते, नदी तालाब नहीं जा सकते, तो आप घर में ही जिस बाल्टी के पानी से स्नान करते हो उसी में आप गंगा जल या कोई भी जो पवित्र नदी है उसका पानी उसमें डाल सकते हो और उससे स्नान कर सकते हो। दूसरी बात यह कि इस दिन जिस भी भगवान को आप मानते हो, जिस भी देवता को मानते हो, उस देवता की अगर आराधना की जाए तो इसका फल बहुत मिलता है। इस दिन अगर आप भगवान शंकर को अभिषेक करते हैं, भगवान शंकर की गाय के दूध से अगर अभिषेक करते हैं, तो इसका बहुत ही फल मिलता है और आपकी सारी दरिद्रता दूर हो जाती है। इस दिन दीप दान का भी बहुत महत्व है। यदि आप भगवान शंकर को गाय के घी का दीपक दान करते हैं, दीपक जलाते हैं, तो इसका भी बहुत ही महत्व होता है। इस दिन आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हो। दुर्गा सप्तशती में जितनी भी चीज़ें हैं उनमें से किसी भी, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उसमें से जितनी भी चीज़ें हैं उनमें से किसी का भी आप पाठ कर सकते हो। आप अर्गला का पाठ कर सकते हो, आप कवच का पाठ कर सकते हो, सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ कर सकते हो, किसी भी जो भी उसमें ठीक आपको लगे, जो कम समय में हो सके आप उसका पाठ कर सकते हो। आप राम रक्षा स्त्रोत का पाठ कर सकते हो। इनमें से कोई भी चीज़, जिस भी भगवान को आप मानते हो, उसकी आराधना इस दिन जरूर करनी चाहिए। अगर आप उच्च पद को पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी मान सम्मान बढ़े, आपके सरकारी नौकरी लगे, तो आपको आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ जरूर करना चाहिए और इस दिन से आप भगवान सूर्य की आराधना शुरू कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन कभी भी पुराने वस्त्रों का दान नहीं करना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि चलो यार, आज दान करके आए तो सर्दियों का सीज़न चल रहा है तो अपनी उतरी हुई स्वेटर या कुछ भी चीज़ दान करिए। लेकिन इस दिन आपको अपने पुराने वस्त्र दान नहीं करना चाहिए। पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, तामसी भोजन भी नहीं करना चाहिए। वैसे तो ये सब चीज़ जो मैंने बता रहा हूँ वो कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन खासकर ऐसे दिनों में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।